हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? एंड मेरा बैग थोड़ा टेढ़ा क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता, सेटिंग में कुछ गलत हुआ है शायद बैग का, तो छोड़ो बाद में ये देख लूँगा। तो मैं जो बोल रहा था कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ भाई। एंड आज है तारीख, मैं भूल गया कितना है, मैं अभी जा रहा हूँ कोलकाता, तो चलो मेरे साथ कोलकाता चलते हैं। एंड मैं जो जो आप लोगों को दिखाऊंगा वो नज़ारे आप लोग एंजॉय की करो और मज़ा तो आएगा ही। एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो यहाँ पर है काली माता का मंदिर, मैं यहाँ पर हर बार रुकता हूँ, तो थोड़ा प्रणाम कर लूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। A few moments later. So, भाई लोग आपने तो देखा है पेट्रोल भरा लिया मैंने, अभी फुल टैंक नहीं किया क्योंकि मुझे रिलायंस में फुल टैंक करना है जो कि दुर्गापुर एक्सप्रेस वे में है। मैं अभी दुर्गापुर क्रॉस कर गया हूँ एंड अभी GT एंटर करने वाला हूँ, यहाँ से सीधा जाके राइट, तो इधर से लगभग कोलकाता होगा 178 to 180 किलोमीटर्स के आसपास, एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट बोर्ड जब मिलेगा मैं आप लोगों को बोल दूँगा। हेलो अंकल, रेस्ट करने लग गया था, अंकल को छोड़ दिया, अंकल जीत गया, ठीक है गाइस। थोड़ा आगे जाके मैं रुकूंगा थोड़ा चाय पीने के लिए क्योंकि बहुत बोर लग रहा है मुझे, बहुत बोरिंग लग रहा है। अभी चलूंगा 60, 70, 80 मैक्सिमम 90 और अगर अच्छा मिलेगा तो 100, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत पहले ही भाई स्पीडिंग करना छोड़ दिया मैंने, बहुत पहले, अच्छा नहीं लगता। हाँ आ गया दुर्गापुर टोल प्लाजा, चलो यहाँ पर रुकूँगा थोड़ा चाय शाय पीऊँगा एंड उसके बाद फिर से निकलूँगा, बट यहाँ पर भाई भीड़ है, चलो रुकते हैं। अभी निकल गया हूँ मैं दुर्गापुर से चाय शाय पी के एंड अभी जा रहा हूँ कोलकाता की तरफ। ये है जिंजर, ये होटल है, वाह, RTC का प्रॉपर्टी है, इधर भी खुल गया है, वाह बढ़िया। कैमरा का एंगल ठीक ही है शायद, बट समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सामने पूरा धूप है, मुझे एक ND फिल्टर खरीदना पड़ेगा, तो आप लोगों को भी इतना ज़्यादा मतलब धूप देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा मतलब एक फिल्टर आ जाएगा मस्त सा। तो देखूँगा आज एक बार मेट्रो गली जाके तो कितना प्राइस है कि नहीं। एंड बैग थोड़ा राइट साइड में हिल जा रहा है मेरा, बट सब तो ठीक ही है, क्या पता किस लिए हिल रहा है। चलो चलते हैं, यहाँ से कोलकाता है, मैंने अभी गूगल मैप से चेक किया है 182 किलोमीटर्स, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ उधर तक 182 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि मैं वो रोड नहीं लूँगा, मैं अलग रोड से जाऊँगा क्योंकि उस रोड में बहुत सारा जैम मिलेगा, मैं जब एंटर करूँगा कोलकाता तब। इधर का 6 लेन हाईवे का ये पार्ट तो ओपन हो गया है, तो शायद मुझे रास्ता थोड़ा सा ठीक मिलेगा क्योंकि पूरा तो काम नहीं हुआ है अभी तक, तो कुछ पार्ट जो हो गया है तो वो मुझे आई थिंक मिलेगा। एंड अगर इस टाइप का रास्ता हुआ तो ट्रैफिक तो इंक्रीज होगा ही, बट जब खाली मिलेगा तो कोलकाता का टाइम बहुत कम हो जाएगा, जाने का टाइम कोलकाता और आने का टाइम, अच्छा लगा देख के। तो ऐसा कुछ रास्ता है, चलो बस चलते हैं क्रूज करते करते। 20 minutes later. तो गाइस
रिलायंस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा लिया, टैंकी फुल कर लिया, एकदम पूरा फुल टैंक, एंड चलो चलते हैं कोलकाता की तरफ। अभी तो बज रहा है 8:38 समथिंग, शायद 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा कोलकाता। ट्रैफिक का कंडीशन कैसा होगा वो ही तो मैटर करता है ना। तो भाई लोग, मैं अभी शक्तिगढ़ क्रॉस कर गया हूँ एंड जा रहा हूँ कोलकाता की तरफ। कोलकाता यहाँ से होगा लगभग 130 किलोमीटर के आसपास, 130-140 तो होगा ही भाई। बहुत धूप है, टायर्ड लग रहा है, तो एक बार रुकूँगा, चाय पीऊँगा फिर से। ठीक है चलो चलते हैं। अभी आ गया हूँ पालसित टोल प्लाजा एंड एक बार चेकआउट करो पालसित टोल प्लाजा को, कितना बड़ा किया है पालसित टोल प्लाजा। ठीक है, एंड मैं थोड़ा मतलब फ्लो में रॉन्ग साइड में आ गया था। पालसित टोल प्लाजा बहुत बड़ा किया है एंड इधर से भी जाने नहीं दे रहा है, एकदम साइड में कर दे रहा है। हाँ क्या ही बोलो, कितना साइड में घुसा दिया, देखो इतना बड़ा टोल। बीच से अगर जाने देता तो अच्छा होता, जैसे फॉरेन कंट्री में होता है बाइक लोग बीच से आते हैं। फॉरेन नहीं, दिल्ली साइड में भी है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे उस साइड में भी है। ठीक है गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। लोग गर्मी बढ़ गया है क्योंकि मैं कोलकाता एंटर कर गया हूँ, बहुत ज़ोर का गर्मी लग रहा है। एंड मेरे सामने है डानकुनी टोल प्लाजा एंड यहाँ पर तो अभी भी काम चल रहा है, शायद वो टोल यहाँ पर बैठेगा क्योंकि यहाँ पर आई थिंक वो बैरिकेड्स हो रहा है टोल का, टोल का पोजीशन ही चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। पहुँच गया हूँ डानकुनी टोल प्लाजा एंड इधर थोड़ा रुकूँगा, चाय पीऊँगा, उसके बाद आगे जाऊँगा। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर्स होगा मेरा घर कोलकाता में, मेरा घर मतलब रेंटेड हाउस जो भी है। तो ये रहा डानकुनी टोल, चलो आगे जाके रुकते हैं। तो भाई लोग मैं अभी पहुंच गया हूँ दक्षिणेश्वर, मतलब दक्षिणेश्वर के सामने ही हूँ बाली ब्रिज में एंड उधर है निवेदिता सेतु, इसमें मैं घूम चुका हूँ ऑलरेडी बाइक से। वो एक वीडियो है, वो लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा, आई कार्ड में मैं दे दूँगा, वो आप लोग चेकआउट कर लेना। सामने है दक्षिणेश्वर माँ, सब एक बार माँ को प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो माँ से एंड गंगा माँ से भी आशीर्वाद ले लो सब एक बार। एंड यहाँ नदी के ऊपर कितना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है भाई, बहुत आराम लग रहा है, सुकून लग रहा है। इतना ट्रैफिक से निकल के आया मैं, कैमरा ऑन करने का हालत नहीं था, इतना ट्रैफिक था इतना। सो ये रहा कोलकाता का न्यू ATC बिल्डिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल्डिंग ये वाला, एंड उधर है एयरपोर्ट। एंड मैं इंटर कर गया हूँ कोलकाता में, एंड कोलकाता में इंटर करने के बाद ही ट्रैफिक सीन्स मस्त वाला, पहले से हाल बेहाल हुआ है गर्मी में, उसके बाद ही ऐसा ट्रैफिक मिल रहा है मुझे, क्या ही बोलो। लगते लगते बच्चा उसका मिरर और मेरा मिरर, क्या ही कर सकते हैं, ये इतना सारा ट्रैफिक और इतना कंजस्टेड रोड कोलकाता का। तो यहाँ से लगभग मुझे और एक घंटा तो लग ही जाएगा शायद, क्योंकि ऐसा अगर ट्रैफिक का हाल रहा तो चांस कम ही है आधा घंटा में पहुँचने के लिए। पहुँच गया हूँ मेरे घर के सामने ही, मेरा घर यहाँ से सामने ही है, 1-2 किलोमीटर होगा जस्ट। तो अगर ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, और कुछ इम्प्रूव करना है तो कमेंट करना एंड नथिंग एल्स। एंड अभी बज रहा है मुझे नहीं पता 12:30 बजेगा अभी, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी है कोलकाता में, तो इस गर्मी को लेके आज का वीडियो यही एंड कर रहा हूँ। चलो टाटा बाय।